चलिए बच्चों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं वीडियो लेकर। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आई थिंक 10 से 12 दिन हो चुके हैं। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़, राइट? आई वाज नॉट गेटिंग अ टाइम टू रिकॉर्ड और अपलोड अ वीडियो, सो राइट, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, राइट? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चैप्टर नंबर 17 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 8 का है, एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन एंड डिवीजन राइट द क्वेश्चन व्हेन 86 प्लस 68 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग नंबर्स 11 और 14। देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, 86 प्लस 68, राइट? 86 और ये जो नंबर है ना 68, ये इसी नंबर का रिवर्स है। देखो 8 6 8 6 6 8, बढ़िया, 68 तो रिवर्स नंबर है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है 86 इज अ टू डिजिट नंबर एंड 68 इज अ नंबर obtained by reversing its digits। ये वाली स्टेटमेंट आपको रट लेनी है, ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दो, ये आपका नंबर है ना, देखो अगर पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो 86 प्लस 68, हमें क्या नहीं करना, हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, किस डिवाइड करना है 11 से, हमें इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। देखो कि 86 को 68 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 8 6 14 4, ठीक है, 8 6 14 15, आपने ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे आपने 11 लिख दिया, फिर आपने इसको डिवाइड कर लिया, तो 11 से डिवाइड करके तो कितना आएगा, 11 1 14, ये आ गया। आपको ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है? ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब 154 11 14 यहाँ पर आएगा ना, तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, इसने कहा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब एक्चुअली में हमें उसको डिवाइड नहीं करना, उसको सॉरी उसको एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल एडिशन ये सब नहीं करना। तो कैसे करना है, देखिए सो ऐसे करना है आपको, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया फर्स्ट पार्ट आ जाओ, ठीक है, ये लिस्ट स्टेटमेंट लिख दी फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 86 प्लस 68 है ना, तो इसको आप लिखोगे 11 ब्रैकेट में 8 प्लस 6। ये क्या करा सर आपने, देखिए आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर्स दिए होंगे, ठीक है, इस टाइप के टू डिजिट्स वाले, और ये नंबर जो है और ये नंबर जो है, ये नंबर इसका रिवर्स होगा, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का रिवर्स होगा, ठीक है, और बीच में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, बीच में प्लस होगा, माइनस वाले के लिए अलग रूल है, बीच में प्लस होगा, तो हमेशा आपको यहाँ पे 11 लिखना है और इनकी पहली दो डिजिट्स को आपको प्लस कर देना है, 8 और 6 को आपको प्लस कर देना है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। अगर बीच में माइनस होता तो 11 की जगह हम लिखेंगे 9 और सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, अब हम लिखेंगे हैंड, अब लिखेंगे नाउ, कुछ भी लिख लो नाउ 11 और 8 प्लस 6, जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 11 से फर्स्ट, तो कितना आंसर आएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस 6 इक्वल्स टू 14, देखो 14 आंसर आ गया। अगर आप इसको एक्चुअल में एडिशन डिवीजन करोगे एक्चुअल में, तब भी आपका 14 आंसर आया था, मैंने आपको दिखाया था, मगर आपको इस टाइप से करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए आ जाइए, हम एक बारी स्टेटमेंट लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखनी, अब है 14, ठीक है, अब आपको क्या करना है। अच्छा, ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि पहले का आंसर ये आता है, दूसरे का आंसर ये आता है, ऐसा भी होता है इसमें। अब इसमें क्या करना है, देखिए दोबारा से हम करेंगे, 11 है, 8 6 प्लस 6 8, तो 11 और यहाँ पे 8 प्लस 6, नाउ 11 और यहाँ पे 8 प्लस 6, और नीचे किसे डिवाइड करना है आपको, 14 से, तो ये 8 6 14 हो जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 11, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन राइट द क्वेश्चन व्हेन 92 माइनस 29 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन वाला, बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है। देखो पहले का आंसर 7 आएगा, दूसरे का आंसर 9 आएगा, क्योंकि पहले का आंसर ये वाला आता है, दूसरे का आंसर ये वाला आता है, इसी टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। अभी देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया था वही स्टेटमेंट आपको एक बार
लिख लेनी है। कैसे लिखोगे, जैसे अगर मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो स्टेटमेंट दी है, सॉरी एग्जांपल नंबर फर्स्ट में भी आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, लेकिन हमने थोड़ा हटके किया है, मतलब आपको बस स्टेटमेंट देख लेनी है, वो स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है, वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भी लिख देनी है। क्या लिखनी है आपको, लिखना है 92 इज अ टू डिजिट नंबर एंड 29 इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा था। थोड़ी बहुत अगर आपको डिस्टर्बेंस यहाँ पे सुनाई दे रही है तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, हमने रटी रटाई स्टेटमेंट हमने लिख दी। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल है, फर्स्ट पे आ जाइए। आपको कितना फर्स्ट पे करेंगे, देखो 92 माइनस 29 है तो इसको हम लिखेंगे, देखो क्या होगा, जब बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 9 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और माइनस 2, इसकी फर्स्ट डिजिट, इसकी फर्स्ट डिजिट, इस तरीके से हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम नाउ 9, और यहाँ पे हम लिखेंगे, सॉरी 9 माइनस 2 यहाँ पे, इसको रब कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे यहाँ पे 9 माइनस 2, इस तरीके से डिवाइड किससे करना है, हमें करना 9 से, 9 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, ये मेरा हो गया फर्स्ट का आंसर। अब देखिए सेकंड कैसे करेंगे, अब सेकंड की बात है ना, सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे, पहले हम लिखेंगे 92 माइनस 29, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोबारा अगेन 9 माइनस 2, ठीक है, नाउ अब डिवाइड कैसे करना है, अब हमें डिवाइड करना है 7 से, तो लिखेंगे 9 माइनस 2 अपॉन में 7, ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर 7, सेकंड का आंसर 9, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया सॉल्व। तो हम क्या सीखे, अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पे 9 आता है, और फर्स्ट टू डिजिट्स को इस तरीके से हम लिख देते हैं माइनस के साथ, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो बाहर 11 आता है, और आप क्या करेंगे 9 प्लस 2 लिखेंगे अगर बीच में प्लस होता है तो, ठीक है। इसको आप नॉर्मल, मतलब रफ में आंसर निकालने के बाद रफ में आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ठीक है, दोनों को माइनस कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसी तरीके से है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए तीन नंबर्स हैं, 1 2 3, तो अगर तीन नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, अगर दो नंबर्स होते हैं, ठीक है, रिवर्स वाले, तो हमने उसको सीख लिया, ठीक है। अब अगर तीन नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें भी वो क्या लिखनी है, सबसे पहले आपको लिखना है, देखो इस तरीके से, जैसे एग्जांपल नंबर 3 में लिखा हुआ है, इफ द डिजिट्स 8 3 7 आर अरेंज्ड इन अ साइक्लिक ऑर्डर देन द थ्री नंबर्स ऑब्टेंड आर दिस, ठीक है। तो आपको लिखना है इफ द डिजिट्स, ठीक है, जो पहला नंबर है ना उसके डिजिट देखो क्या, 3 4 5 3 4 5, मगर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 फिर कॉमा फिर 4 and 5, 3 4 5, इफ द डिजिट्स 3 4 5, ठीक है, आर अरेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर देन द थ्री नंबर्स ऑब्टेन्ड आर, ठीक है, यही तीन नंबर आपको मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे आपको, यही तीन नंबर मिल जाएंगे 3 4 5, मतलब कहने का मतलब ये बताऊंगा अभी, 5 3 4 and 4 5 3, 3 4 5 को घुमा फिरा के नंबर को लिख के देखेंगे तो ये नंबर मिलेंगे, देखो इसमें 3 4 5 है, इसमें भी 3 4 5 है, इसमें भी 3 4 5 है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में, देखो पहले 3 यहाँ पे था, फिर 3 सेकंड मतलब सेकंड पे पहुँच गया, बीच में आ गया 3, फिर 3 लास्ट में पहुँच गया, ठीक है, 4 पहले सेकंड पे था तो थर्ड में पहुँच गया, अब फर्स्ट में पहुँच गया, 5 पहले थर्ड में था, थर्ड से फिर ये फर्स्ट में आएगा, थर्ड से फर्स्ट में, फर्स्ट से सेकंड में, ऐसे फर्स्ट वाला सेकंड में, सेकंड वाला थर्ड में, थर्ड वाला फर्स्ट में, इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 36 है हमारा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है 3 4 5 प्लस 5 3 4 प्लस 4
5 3, ठीक है। जब ये साइक्लिक ऑर्डर्स में, मतलब ये 3 डिजिट है 3 4 5, इसको साइक्लिक ऑर्डर में बनाने के बाद यही 3 नंबर मिलेंगे, तो हमेशा आपको याद रखना है क्या आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपकी बुक में पेज नंबर 265 पे अगर आप देखेंगे ना, ये रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट्स जो नंबर है इनको रिवर्स करना, या साइक्लिक ऑर्डर में बोलते हैं रिवर्स करके लिख लो, जैसे भी बोल दो आप, तो आप पे एग्जाम्पल क्या बनता है। देखो हर बार आपका क्या बनेगा, 1 1 1 ब्रैकेट में 3 4 5, मतलब जो फर्स्ट वाली है हमारी 3 4 5 3 + 4 + 5, समझ में आ गया। जो फर्स्ट आपके डिजिट होगी ना 3 4 5, तो इसको इसका 3, ठीक है, आप इसका 3 प्लस करेंगे और इसका 4 प्लस करेंगे और इसका 5 प्लस करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे 1 1 1 आएगा हमेशा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट्स जो जिसमें 2 डिजिट्स वाले नंबर होते थे उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें नंबर लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा है, अगर आप देखेंगे जैसे हमारा था फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर थे 73 और 37, तो हम क्या करते थे 7 को और 3 को हम क्या कर दिया करते थे, माइनस कर दिया करते थे। अगर बीच में माइनस होता था और प्लस होता था तो प्लस कर दिया करते थे। इसमें आपको ऐसे लिखना है। अच्छा अभी क्या करना है, अब वही नाउ डिवाइड करना है इसको 36 से, 3 + 4 + 5, ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे डिवाइड करना है आपको, 36 से आप इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए 5 4 9 9 10 11 12, इसको करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो हो नहीं था, इसको अब ऐसे कर देंगे 1 1 1, ये कितना हो गया हमारा, ये 12 हो गया, और यहाँ पे कितना आपका 36 है। अब 12 3 जा हो गया 36, ठीक है। अब ये 3 जिसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 3 7 जा 21, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है, आपने एक्चुअल में एडिशन और डिविजन नहीं करा, आपने इसको पहले तीनों को ऐड करके आपने नहीं करा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में कितना है, 37 है, तो दोबारा से लिखेंगे 3 4 5 + 5 3 4 + 4 5 3, कितना हो जाएगा 1 1 1, और ये 3 + 4 + 5, ठीक है जी। चलिए नाउ 1 1 1 3 + 4 + 5, ठीक है, ये प्लस है बीच में बच्चों, नीचे कितना लिखना है हमें 37, इसका आंसर ये आता, इसका आंसर ये आएगा, तो कितना हो जाएगा 1 1 1, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 5 4, कितना था ऊपर भी आया था 12 आया था ना, 12 12 अपॉन में 37, ऐसे लिखो एक ही बात है ना। अब हम इसको कर लेंगे, अब किससे होगा बताइए, ये अब ये हमारा 37 है ना, 37 के टेबल में देखो 1 1 1 आता होगा कहीं ना कहीं, 37 3 जा 21 3 3 जा 9, तो 11 आ गया, कितना होता है 2 बारे में होता है, अब 12 दोनों कितना हो गया, 1 सेकेंड थोड़ी 3 बारी में होता है, 3 बारी में 2 बारी में कर दिया मैंने, कोई बात नहीं सही कर लेंगे इसको, 3 बारी में होता है ये, 3 है ये मेरा 3, ठीक है, तो 12 का कितना होता है 36, ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे सॉल्व, और इसी के साथ मेरी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ थे आपके 3 क्वेश्चंस।